दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने बड़ा बयान दिया है। प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तेजस्वी सूर्य ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत से दिल्ली में चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चुनाव में कुछ असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली के लिकर स्कैम में उनका रोल क्या है, पर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, इसको हम सब रेस्पेक्ट करना है। उसके बावजूद भी एक प्रश्न जो सबके मन में आ रहा है वो ये है कि देश के इतिहास में फर्स्ट टाइम चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के कारण के लिए किसी एक पॉलिटिकल व्यक्ति को जो जेल में थे उनको बेल मिला है। देश में अन्य अन्य जेल में कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो जेल में हैं, वो सब भी अगर कल चुनाव प्रचार के निमित्त बेल में आने के लिए एप्लीकेशन डाल देंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या सुप्रीम कोर्ट हर पॉलिटिकल नेता को चुनाव प्रचार के लिए बेल दे देंगे क्या? आई एम अफ्रेड दैट दिस विल बी अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट टुडे। वी रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर बट दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज रीजन द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन फॉर गिविंग बेल टू मिस्टर अरविंद केजरीवाल। देखिए, सम्मेलन का युवाओं पे बहुत असर है और निश्चित रूप से युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आज के सम्मेलन से युवा एक संगठित रूप से सामने आ जाएंगे। अब तो इस युवा सम्मेलन से बहुत फायदा हुआ है। जैसे कहते हैं युवा शक्ति है, क्या चुनाव पे असर डालेगी युवा शक्ति? आज 18 से लेकर 25 साल की उम्र तक करीब 60 करोड़ मतदाता है जो नया मतदाता है, वो करीब 60 करोड़ का मतदाता है। तो युवा शक्ति ये है, 60 करोड़ नए मतदाता है और युवा शक्ति अगर संगठित हो गई तो किसी भी हद तक जा सकती है और यह युवा शक्ति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संगठित है और आप देख रहे हैं कितना हुजूम है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि युवा शक्ति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही बड़ी विजय होने वाली है इस लोकसभा चुनाव में। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को देने का काम कर रहा है। दो दिन पहले टिंडी गठबंधन के लालू यादव जी इसी विचार को प्रकट किया कि देश में अगर टिंडी गठबंधन की कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ओबीसी से, एससी एसटी से, दलित से रिजर्वेशन छीन कर उस रिजर्वेशन को मुसलमानों को देने का काम कांग्रेस पार्टी की। लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।